आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी सरनेम केस में आज सूरत सेशन कोर्ट राहुल गांधी की सजा पर रोक की अपील पर फैसला सुनाएगी। बता दें कि निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। इस मामले को लेकर 3 अप्रैल को राहुल ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था। अब आज इस मामले में फैसला आएगा। बता दें मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट में आज सुनवाई होगी और ये देखने वाली बात रहेगी कि सजा बरकरार रहती है या फिर राहुल गांधी को राहत मिलती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जो 20 अप्रैल तक सुरक्षित रखा गया था। अब आज इस मामले पर सुनवाई होनी है और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, राहुल गांधी को लेकर आज क्या कुछ फैसला आना है और क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार विस्तार से बता दें। देखिए, राहुल गांधी ने 2019 में बेंगलुरु में एक चुनावी जनसभा के दौरान ये कहा था कि जिस प्रकार से सभी मोदी चोर होते हैं, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है कुछ अभिप्राय रह चुके हैं विकास से पूरे, उन्होंने एक याचिका डाली थी राहुल गांधी के खिलाफ। उसके बाद 4 साल बाद जो है सूरत सेशन कोर्ट में ये फैसला सुनाया, उनको 2 साल का 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। और आपको बता दें कि इसके बाद कांग्रेस ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सड़क से लेकर संसद तक इस बात का विरोध किया था। और राहुल गांधी के समर्थन में जो बड़े नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो सड़क पर उतरे थे, संसद से लेकर सड़क पर उन्होंने बात का विरोध प्रदर्शन किया था। सदस्यता जाने के बाद से उनका बंगला भी उनसे ले लिया गया था। अब राहुल गांधी जो है सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं, दबाव में जाए बंगला वापस लेने के बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे थे और हर कार्यकर्ता जो है अपने घर को राहुल गांधी का घर ही बता रहा था। इस प्रकार से ये सजा सुनाई, उसके बाद राहुल गांधी को 1 महीने की छूट दी गई इस पर। और उसके बाद फिर से 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और वो सजा जो है वो फैसला जो है अदालत ने सुरक्षित रख लिया था। आज फिर से जो है सूरत कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि क्या कुछ रुख जो है सूरत कोर्ट का रहता है, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी ने याचिका दायर की इसके खिलाफ और आज जो है सूरत कोर्ट इसका फैसला सुना सकती है मयूरी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है राहुल गांधी के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रही थी, एक तरफा जो है मोदी सरकार को घेर रही थी और लगातार बड़े आरोप जो है मोदी सरकार पर लगा रही थी। और ये कहना था कि जब से सदन में राहुल गांधी ने अडानी को लेकर प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा, उसके बाद उनसे कार्रवाई जो है वो होने लगी और ये 2019 का जो मामला है उस पर 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस लगातार जो है वो केंद्र सरकार को घेर रही है, तमाम मुद्दों को घेर रही है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं मुद्दों को घेर रही है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो किसी तरह से डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विवेक, आज इस पूरे मामले पर फैसला आना है तो क्या कयास लगाया जाए कि सजा बरकरार रहेगी या राहत मिलेगी? देखिए, ये फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि सूरत कोर्ट जो है इस पर क्या फैसला सुनाती है, सजा बरकरार रहेगी या उनको कोई राहत मिलेगी। ये आज दोपहर 12 बजे जब सुनवाई होगी उसके बाद जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट भी ये दोषी मानती है तो वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और हाई कोर्ट से बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। तो तमाम दरवाजे जो हैं राहुल गांधी के लिए खुले हुए हैं और राहुल गांधी क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कांग्रेस को लीड किया था, अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को मिला था। और उसके बाद आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तकरीबन 10 से 11 महीने का चुनाव जो है लोकसभा में बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े लीडर की सदस्यता चली जाना और फिर से चुनाव न लड़ने का जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए
एक महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और पिछले दो कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के साथ केंद्र में है और कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती पड़ रही है। तो इस प्रकार से अगर कांग्रेस का जो लीडर है वो अगर इस चुनाव में सक्रिय नहीं होगा तो कांग्रेस के लिए काफी कुछ नुकसानदेह हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है अपने हर एक कदम को फूक फूक कर रख रही है और आज का फैसला जो भी हो कांग्रेस के लिए तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। बता दें मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें ये आज फैसला आना है। वहीं 11 बजे से 3 बजे तक कभी भी फैसला आ सकता है। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश भर में 24 घंटे में 10,542 नए मामले दर्ज किए गए हैं जबकि 38 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बात करें राजधानी लखनऊ की तो एक्टिव मरीजों की संख्या 800 के पार पहुंच गई है। तो वहीं एक और कोरोना पीड़ित मरीज की मौत हो गई है। लखनऊ में कोरोना के नए मामले 24 घंटे में 97 संक्रमित मिले हैं। बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए मोरी, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो नए केसेस की अगर बात करें तो 245 नए केसेस आ गए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1,047 हो चुकी है। कई मरीज कोविड संक्रमण से जरूर स्वस्थ हुए हैं और मरीजों की स्थिति में सुधार भी है, लेकिन ये जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, देश भर में 12,000 से अधिक कोरोना के मरीज हैं और 24 घंटे में तमाम ऐसे हजारों की संख्या में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि संक्रमण की दर कितनी रफ्तार से लोगों के बीच पहुँच रही है और कितनी रफ्तार से लोग संक्रमित हो रहे हैं। खैर, स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है, अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान भी चलाया है, तमाम जगह पोस्टर और बैनर भी लगाए हैं। इसके बाद जो है सार्वजनिक स्थलों पर अपील की जा रही है। खुद जिलाधिकारी कई बार अपील कर चुके हैं कि भीड़ भाड़ इलाके में मास्क लगाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सैनिटाइजेशन करें। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तो लगातार अपील की जा रही है, तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, लेकिन लोग कितना जागरूक नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो कुछ ही लोग हैं जो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। और ऐसे जगहों पर अगर बात की जाए तो अस्पताल प्रशासन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिनेमा हॉल्स हैं, जो बाजार हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो बिना मास्क के कई जगहों पे लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं आम इंसान को अपनानी होगी, क्योंकि जनता को खुद ही जागरूक होना, क्योंकि कोविड का संक्रमण जनता कोविड को पहली बार नहीं देख रही है, वो इसकी भयावह स्थिति को भी देख चुकी है। तमाम जगहों पर वैक्सीनेशन की भी सुविधा उपलब्ध है और जो आबादी है वो मैक्सिमम आबादी ने अपने वैक्सीनेशन भी करा लिए हैं। लेकिन अब जो है वैक्सीनेशन के लिए इंतवाज में जो जनता में नहीं दिख रहा है, जो सबसे बड़ी कमी जनता की तरफ से आ रही है कि भीड़ भाड़ इलाके में वो मास्क नहीं लगा रहे हैं और बेवजह लोग भीड़ भाड़ इलाकों में घूम भी रहे हैं, जिसके वजह से संक्रमण का दर जो है वो बढ़ता है, चला जा रहा है। चाहे वो बेड को लेकर हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, उसकी व्यवस्था कैसी है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार जिस प्रकार से लखनऊ के सभी जो अस्पताल है, चाहे वो सिविल अस्पताल हो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, वो कोविड वार्ड को लेकर काफ़ी सक्रियता बरत रहे हैं। सभी ने अपने यहाँ कोविड वार्ड को आरक्षित कर लिया है और वेंटिलेटर की सुविधा भी मरीजों को प्रदान कराई जाती है। हालांकि अगर बात की जाए तो जो मैक्सिमम मरीज हैं वो होम आइसोलेशन के लिए, लेकिन जहाँ भी कुछ मरीज भर्ते हैं उनका पूरी तरीके से अस्पताल प्रशासन इलाज कर रहा है और स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये संक्रमण की दर है वो तेजी से फैल तो रही है, लेकिन मरीज स्वस्थ भी उसी तरीके से हो रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मरीजों के जो स्वास्थ्य में सुधार है वो जल्दी आ रहा है, संक्रमण की दर ज़्यादा है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है कि मरीज को जो है बार बार वो संक्रमित कर सके। इसलिए संक्रमण की दर ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को जा रहे हैं, अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से कार्य कर रहा है।
जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना एक बार फिर से पांव पसारते हुए नजर आ रहा है। बता दें 24 घंटे में 10,542 नए मामले सामने आए हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, फिर चाहे वो मास्क को लेकर हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो। बता दें देश भर में कोरोना एक बार फिर से टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।